अहम खबर आपको दे, करोड़ों रुपए के पकड़े गए मोबाइल फोन्स की चोरी रोकने के लिए अहम इकदाम किया गया है। कस्टम ने ऑटो कोड रीडर मशीन की मदद से कंप्यूटराइज डेटा तैयार कर लिया है। 10,548 मोबाइल फोन्स और 480 टैबलेट्स का कंप्यूटराइज डेटा तैयार कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के पकड़े गए मोबाइल फोन्स की चोरी रोकने के लिए ये अहम इकदाम किया गया है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि 10,548 मोबाइल फोन्स और 480 टैबलेट्स का कंप्यूटराइज डेटा तैयार कर लिया गया है। कस्टम ने ऑटो कोड रीडर मशीन की मदद से कंप्यूटराइज डेटा तैयार कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, इस इकदाम के हवाले से बताइए। जी इलामा इकबाल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 48 घंटे कबल जो 13.5 करोड़ रुपए की मोबाइल स्मगलिंग पकड़ी गई थी, उस हवाले से कस्टम हुकाम ने, क्योंकि कस्टम के गोदाम में जैसे ये माल जाता था, माजी के अंदर वो मुतद्दिद बार वो माल तब्दील करके असल मोबाइल की जगह डमियां रख दी जाती थी, इस हवाले से एडिशनल कलेक्टर कस्टम की जानेब से फौरी तौर पर जो हदायत दी गई कि जो मोबाइल स्कैनर एक मिलता है, बार कोड स्कैनर कहते हैं उसे, जो IMEI नंबर स्कैन करता है, तमाम मोबाइल फोन का पिछले 48 घंटे से मोबाइल डाटा जो था वो तमाम वो स्कैन किया गया और उसे बाकायदा तौर पे एक सॉफ्टवेयर के तहत महफूज कर लिया गया, ताकि जैसे लाहौर एयरपोर्ट से कंसाइनमेंट गोदाम के अंदर जाए वो वहां से तब्दील ना हो सके और सेम यही डाटा PTA को भिजवाया जाएगा और पैमरा को भिजवाया जाएगा।